नमस्कार, योगिनी हेमलता शर्मा का योगा से योगा सोसाइटी जयपुर की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जी हाँ, एक और बहुत ही खूबसूरत दिन आया है हमारे जीवन में। ये बात हम मान के चले और ये विचार अपने माइंड में धारण कर लें। तो इस दिन का स्वागत करने के लिए बिल्कुल शांत मन होके, शांत चित्त होके आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। आने वाली जो कक्षा है हमारी, उसका संपूर्ण आनंद लेने के लिए अपने आप को मेंटली और यस फिजिकली भी रेडी कर लीजिए। ऐसे स्थान पे जाके बैठिए जहाँ पे आपको अच्छा लगे। शुद्ध और पवित्र वातावरण में जाके बैठिए। नमस्कार राजेंद्र सर, कैसे हैं आप? सब कुछ उस विश्व चेतना पे छोड़ के समर्पण भाव से ईश्वरीय प्राणिधाना, ईश्वर को वास्तव में सही रूपों में अपने जीवन को समर्पित करके, समर्पण भी ऐसा हो जहां निश्चिंता आ जाए, ऐसा समर्पण ईश्वर जिस हाल में जैसे आप रखेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। ये विचार, ये मन हमें बनाना होगा, सोचना होगा कि जितने भी आज विश्व में जो भी व्यक्ति हैं वो इसी दौर से गुजर रहा है। हम अकेले नहीं हैं, तो इस दौर में भी अपने आप के साथ और अपनी परिस्थितियों के साथ कैसे सामंजस्य बैठा के निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से हम अपने समाज के लिए कुछ कर पाए, यह हमें सोचना होगा। दो हफ्तों को और किस तरह से सुनहरी अवसर बनाया जाए और परमार्थ के लिए, दूसरों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करना, ये कर्म योग सिखाता है। सिर्फ दान पुण्य करना ही कर्म योग नहीं है। यदि हम घर में हैं तो अपने परिवार के साथ अपने घर में भी, घर के कार्य भी करना एक कर्म योग है। तो कर्म करना है हमें, हम कर्म योनि में हैं, जहां हम कर्म करने के लिए ही आए हैं। तो फिर क्यों ना अपने कर्मों को, अपने कार्यों को ऐसा बनाएं कि हमें उन कार्यों से आत्मिक शांति मिले, आत्मिक संतुष्टि मिले, और हमें ऐसा लगे कि आज हमने ऐसा कुछ कार्य किया है निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, दूसरों के हित के लिए। अपने लिए हमने एक पल भी नहीं सोचा, बड़े आनंद पूर्वक उस कार्य को जब हम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारा परमार्थ के लिए किया हुआ कार्य हमें आत्मिक संतोष देगा, आत्मिक शांति देगा, हमें अच्छा लगेगा। ये कुछ तो हमने हटके किया है जहां हम नहीं हैं, अपने आप के लिए नहीं किया है, हमने समाज के लिए किया है, हमने अपनों के लिए किया है। होई वही सो राम रची राखा, उन चीजों को पकड़ने की हमें कोशिश ही नहीं करनी है जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है। छोड़ दो ईश्वर पे,
जो चीज को हम पकड़ नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, अपने अनुसार उनको ढाल नहीं सकते, उन चीजों को ईश्वरीय प्राणिधाना समर्पण भाव से ईश्वर को समर्पित कर दे। अपने हर एक दिन को, अपने जीवन के हर एक मोमेंट को, तो स्वतः ही निश्चिंता आ जाएगी। और ये निश्चिंता का प्रभाव, इसका असर हमारे फिजिकल बॉडी पे, हमारे मेंटल बॉडी की शांति पे, हमारे भावनात्मक उतार चढ़ाव पे और हमारे आध्यात्मिक कनेक्शन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो आप सभी को मेरा एक बार पुनः नमस्कार और आज के दिन का बड़े प्रफुल्लित मन से स्वागत। और आप सभी का स्वागत है इस प्राणायाम की कक्षा में। उसके बाद हम आज करेंगे वेट लॉस वर्कआउट। किस तरह से हमारी एक्स्ट्रा फैट को, जो जमी हुई वसा है, उसको कम कैसे कर सकते हैं। पर अभी समय है प्राणायाम करने का और इस दिन को बड़े प्रसन्न मन से, आनंदित मन से स्वागत करने का। कुछ समय के लिए आने वाला जो 20 से 25 मिनट है, बिल्कुल कट ऑफ होके कि ये 20 से 25 मिनट जो है वो मेरे अपने हैं और मुझे अपने आप के साथ बिताने हैं, ये विचार, ये दिमाग सेट कर लें। बार बार अपने आप को उस तरफ हमें लगाना है चित्त को, तो हमें अच्छा लगेगा। आइए आप सभी उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करें और पूरा दिन ईश्वर के हाथों में दे दें समर्पण भाव से, कि ईश्वर मेरे को निमित्त बना के आप जो भी मुझसे कार्य करवाएंगे, कर्मेषु कौशलम्, यानी हर एक कार्य में मैं कुशलता दिखाने की कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी, अच्छे से करने का भाव होगा मेरे मन के अंदर। आइए हम सभी ओम का उच्चारण करें और ओम के उच्चारण करते समय ये भाव अपने मन के अंदर रखें कि ओम के उच्चारण के माध्यम से इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, हम सिर्फ एक प्लेनेट पे बैठे हैं, ऐसे ही कितने करोड़ों नक्षत्र इस ब्रह्मांड के अंदर घूम रहे हैं और उन नक्षत्रों को नियंत्रित और उन नक्षत्रों के बीच में सामंजस्य बिठाने वाला परमपिता परमात्मा उस ऊर्जा को, उस विश्व चेतना को, विश्व शक्ति को हम प्रणाम करते हैं। ओम के उच्चारण के माध्यम से हम उनका अपने जीवन में आह्वान करते हैं, उस प्राणिक एनर्जी का आह्वान करते हैं, उस जीवनी शक्ति का आह्वान करते हैं, स्वागत करते हैं जो आपके और हमारे रगों में ऊर्जा बन के बह रही है। आइए लंबा गहरा श्वास लें और तीन बार समर्पण भाव से, निश्चिंता से ओम का उच्चारण करें और ओम की एनर्जी को अपने आप को समर्पित कर दें। श्वास भरें, इनहेल,
उस परम पिता परमात्मा से बोलें कि आप मेरे साथ हर पल रहे, आपकी गाइडेंस मेरे साथ रहे, आपकी देवी ऊर्जा मेरे साथ रहे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बड़ी कोमलता से अपने दोनों हाथ नीचे करें, आंखें बंद, चेहरा शांत, शरीर आपका मेरुदंड एकदम सीधा, ललाट ढीला, कंधे ढीले, हाथों से ध्यान मुद्रा बनी हुई और अपने घुटनों पे रखी हुई आपकी हथेलियां, पूरी सजगता के साथ में श्वास को देखते हुए तीन बार ईश्वर का दिए हुए सबसे बड़े आशीर्वाद इस श्वास को शरीर के अंदर लें और बड़ी ही कोमलता से सजगता से एक धार में बाहर की तरफ छोड़ें। हमें ध्यान दूसरों को दिखाने के लिए नहीं लगाना है, हमें ध्यान स्वयं के लिए लगाना है, स्वाध्याय करना है, पूरे समर्पण भाव से सब कुछ बाहरी दुनिया से कट ऑफ होके बाहर ही छोड़ के स्वयं के प्रति ध्यान लगा के इस श्वास के प्रति, उस चेतना के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित करें। बंद आंखों से ही धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने ललाट के मध्य में केंद्रित करें। एक टक आंतरिक त्राटक करते हुए अपने ध्यान को, अपनी आंखों को ललाट के मध्य में एकाग्रचित करें, लगाएं। बड़ी कोमलता से अपने सीधे हाथ के अंगूठे से सीधे नोस्ट्रल को सभी बंद करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। धीरे 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 पूरा लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास शरीर के अंदर भरें, लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से धीरे धीरे कोमलता से पूरी सजगता से ध्यान श्वास की धार पे ही लगाते हुए अपनी चेतना को बाहर छोड़ दें। फिर से धीरे धीरे राइट से श्वास भरें शरीर के अंदर, पूरा पेट सीना और कंधे भर के श्वास लें, इस प्राण वायु को शरीर के अंदर पूरा लें ताकि हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़े। राइट को बंद कर दीजिए, लेफ्ट से धीरे धीरे पूरे श्वास बाहर की तरफ छोड़ दीजिए, फिर से लेफ्ट से श्वास लें। ये श्वास का लेना लेफ्ट से और राइट से छोड़ना, फिर राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ना, ये जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं तो हमारी ईड़ा और पिंगल नाड़ी में जो वायु प्राण ऊर्जा बन के बह रही है उसको हम बैलेंस कर रहे हैं और उसको बैलेंस करने के माध्यम से हम हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस कर रहे हैं। हमारे राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर की ध्वनि तरंग को बैलेंस कर रहे हैं। इसका वो प्रभाव हर्षित हमारी मानसिक शांति पर पड़ रहा है। दोनों नाड़ियों में श्वास प्रश्वास की क्रिया बड़ी सरलता से निरंतर हम अभ्यास करते हुए चलाएंगे तो स्वतः ही
नारियों से जुड़ी हुई बाकी सभी नारियां भी एक्टिवेट होके हमें शारीरिक रूप से मानसिक रूप से और भी हल्का महसूस करवाएगी। मन में मानस पटल पर ये ध्यान केंद्रित करने के हमें वास्तव में लाभ उठाना है प्राणायाम का, हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। अपनी चेतना को, अपने दिमाग को, अपने ध्यान को बार बार श्वास की धार पर केंद्रित करके ध्यान रखें कि जिस श्वास लिया है लेने के बाद में हमें दूसरे नॉस्ट्रल से छोड़ना है, अवेयरनेस भी रखें और जिसे छोड़ा है उसे पुनः लेके हमें दूसरे नॉस्ट्रल से श्वास बाहर अपने हाथ को अपने ध्यान को अपनी नाभि कमल पे केंद्रित करें। बड़े प्रसन्न मन से उस तेज को देखें, उस ऊर्जा को देखें, उस ब्राइटनेस को देखें, चमक को देखें, उत्साह को देखें, नाभि कमल करते हुए उस ऊर्जा को संपूर्ण शरीर के अंदर आंतरिक तौर पर फैलाते हैं और वास्तव में शरीर के अंदर बहुत सारा ऊर्जा लगातार श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ जाएगा, करते चले जाएंगे कपालभाति। आप अभ्यास करते रहिए, लगातार कपालभाति करते रहिए। बस ये ध्यान रखना है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हाइपरटेंशन है, या हार्ट की कोई सर्जरी करवाई है, या पेट में अल्सर है, या ज़्यादा पित्त बना हुआ है, तो आप कपालभाति नहीं करके अनुलोम विलोम प्राणायाम को लगातार करते रहिए। आइए रिलैक्स हो जाइए, बड़ी शांति से शरीर में सांस आने दीजिए, इतनी कोमलता से शरीर को सांस बाहर छोड़ने दीजिए, एकाग्रता सजगता पूरी तरह से शरीर में आती हुई श्वास में और शरीर से बाहर निकलती हुई श्वास में। आइए पुनः एक बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अपने सीधे हाथ के अंगूठे से सीधे नॉस्ट्रल को बंद करें और उल्टे से श्वास भरें, इनहेल, उल्टा बंद करके सीधे से छोड़ें। आइए सीधे से श्वास भरें, सीधा बंद करके उल्टे से छोड़ें, उल्टे से श्वास भरें, सीधे से छोड़े, सीधे से भरे, उल्टे से छोड़े, उल्टे से ले, सीधे से छोड़े, सजगता पूरी बनी हुई लगातार चलती हुई, सीधे से ले, उल्टे से छोड़े, फिर उल्टे सीधे से छोड़े, सीधे से ले, उल्टे से छोड़े और हाथ नीचे ले। अब अपने सीधे हाथ के अंगूठे से सीधे नॉस्ट्रल को हम बंद कर लेंगे, सिर्फ उल्टे से ही कपालभाति करेंगे।
सीधे से कपाल भाती कर दिया। शरीर से श्वास प्रश्वास की क्रिया को 30 से 40 बार शरीर में छोड़ दें। श्वास आना श्वास कर जाना आपके कमर का से बंद लात पिला मानसिक शांत को शरीर के अंदर ऊर्जा के भाव को बड़ी कोमलता से अपने दोनों हाथ के हथेलियों को हमें नमस्कार मुद्रा में जोड़ना है। अपने मिडिल फिगर को अपने चेहरे पे ठुड्डी पे लगाना है और ठुड्डी को अपने गले की तरफ थ्रोट एरिया की तरफ हल्का बेंड करना है। श्वास भरते समय हमें दोनों कोहनियों को ऊपर उठाना है। इनहेल श्वास छोड़ते समय झटके से श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। आइए ऐसा हम 10 बार करिए। रिलैक्स हो जाइए। बड़ी कोमलता से ध्यान मुद्रा लगाते हुए हथेली आपके घुटनों पे मन को शांत शांत शरीर में झंझनाहट को वाइब्रेशन को टेंशन को अनुभव करें। आप आंखें बंद रखें अपने ध्यान को केंद्रित करें कि शरीर के अंदर कुछ तो परिवर्तन हो रहा है, कुछ तो ऐसा चल रहा है जो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया अनुभव नहीं किया। वो जीवन की शक्ति है, वो प्राण ऊर्जा है, वो बायो एनर्जी है जो हमने क्रिएट की है। आइए अब दोनों हाथ की हथेलियों को अपने मस्तिष्क के ऊपर नमस्कार मुद्रा में रख दीजिए। श्वास भरते हुए हमें आसमान की तरफ देखते हुए श्वास दोनों हाथ खोलने हैं। श्वास छोड़ते हुए हमें वापस नीचे आना है। ऐसा करेंगे और कमलता से आंखें बंद करते हुए हाथ नीचे ले आएंगे सामान्य स्थिति। शरीर के अंदर जिसका प्रभाव हुआ है हमें श्वास नली का पे श्वास लेने में हमें और भी ज्यादा खुलापन महसूस हो रहा होगा, उसको हमें अनुभव करना है। प्रोट्रैक्ट
एकदम क्लीन पाई, एकदम साफ, और श्वास बढ़ने में श्वास लेने में आनंद आता। नाड़ी शोधन प्राणायाम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे पहले अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लीजिए अपने अंगूठे से, लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास शरीर के अंदर भरिए। एक गायत्री मंत्र तक भरना है, दूसरे गायत्री मंत्र तक आंतरिक कुंभक करते हुए श्वास को शरीर के अंदर नियंत्रित करना है, रोकना है। तीसरे गायत्री मंत्र में राइट से श्वास बाहर की तरफ में छोड़ना है, फिर पुनः राइट से श्वास भरना है और श्वास भर के शरीर के अंदर एक गायत्री मंत्र के लिए रोकना है और फिर से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें लेफ्ट से श्वास बाहर की तरफ छोड़ना है। एकाग्रता, ध्यान, पूरा केंद्रित मानसिक जाप पे गायत्री मंत्र के, और लगातार जब तक गायत्री मंत्र आपका कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप श्वास भरते रहिए शरीर के अंदर, पेट भरिए, सीना भरिए, कंधों तक श्वास भरिए। फिर इस श्वास को एक और उसी गायत्री मंत्र को दोहराते हुए श्वास को शरीर के अंदर रोके और फिर तीसरे गायत्री मंत्र में धीरे धीरे श्वास को राइट नॉस्ट्रल से बाहर निकालते हुए गायत्री मंत्र जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक श्वास छोड़ते रहें। अभ्यास करें। मानसिक जाप करना के साथ में, सजगता के साथ में। और हाथ नीचे ले आइए, अपने दोनों हाथ के दोनों कानों को बंद कर लीजिए। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम तीन बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। कान को बंद कर लीजिए ताकि आपके एकाग्रता का ध्यान जो है वो भंवरे के गुंजन पे अच्छे से आप कर पाए, और अभी हाथ की उंगलियों से अपनी आंखों को ढक लीजिए। तीन बार भ्रामरी प्राणायाम के लिए सभी तैयार हो जाइए। लंबा गहरा श्वास भरिए, श्वास भरे। लास्ट टाइम लंबा गहरा श्वास भरे। और बड़ी कोमल से अपने दोनों हाथों को नीचे ले आए। दोनों हाथ जोड़े और अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर दें ईश्वर के आदेश।
के रख रखाव में। फिर कहा जा रहा है, होई वही सो राम रचि राखा। यदि आप राम पे विश्वास है, श्री राम की ऊर्जा पे विश्वास है, तो अपने आप को समर्पण कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए समप्रभाव से। ईश्वर जिस हाल में आप हमें रखें हम तैयार हैं, हम विचलित नहीं होंगे, ये हमारा आपसे कमिटमेंट है। ईश्वर पूरे दिन भर आपका आशीर्वाद मेरे साथ ही चले, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। सबके परिवारों को सुख शांति बनी रहे, मंगल और शुभकामना को और शांति का वातावरण हो, खुशी का वातावरण हो। ईश्वर ऐसा सभी को आशीर्वाद दे। आइए आज की इस प्राणायाम की कक्षा को समाप्त कर दूंगी। हम फिर से ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। लंबा गहरा श्वास भरें, इनहेल धन्यवाद आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू। सब अपने हाथों को गर्म करें, हाथ या दिल को आपस में रखें, गर्म को प्लेट करें, बड़ी कोमलता अपने हाथ की हथेली को अपने आंखों पर रखें, आंख को दबाना नहीं है। बड़े धीरे धीरे अपने हाथ की हथेली को अपने चेहरे पर घुमाएं और ईश्वर के आदेश को प्रसन्न मन से स्वीकार करते हुए आज के दिन का स्वागत करें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। यस, वेरी गुड मॉर्निंग वीरन, पवन सर, टोनी, ओके, आशीष जी, बलवीर जी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हम थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे हम मिलेंगे आज वेट लॉस की क्लास में। घर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा हमारा वजन बढ़ रहा है, खान पान पे बहुत हम ध्यान दे रहे हैं, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि शरीर को हमें बिगड़ने नहीं देना है। सूर्य भगवान आ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं हम और मिलते हैं। थैंक यू सो मच राजेंद्र सर, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, 10 मिनट्स, ओके। वेट लॉस की कक्षा में आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और फिर से आप सभी का स्वागत करने के लिए आप